जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। वैसे तो काफी दिनों से इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इसमें चर्चा करना समय समय पर जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स के इसमें पैसा लगा हुआ है। इवन मेरा भी इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, समझते हैं इतने दिनों में इस स्टॉक में क्या क्या हुआ। राइट राइट इस बारे में बात देखेंगे तो शेयर प्राइस में अब जिस तरह से चार्ट पर इसका पैटर्न बन रहा है, चार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि एक तगड़ा मोमेंट अब इस स्टॉक में आने वाला है। तो जब तूफानी तेजी आने वाली होती है तो उसके पहले एक थोड़ी सी शांति देखने को मिलती है, शांति एकदम इसमें देखने को मिल रही है, और उस पे जब आप काम करेंगे तो आपको एक बेहतर रिटर्न मिलने के उम्मीद होते हैं। तो चलिए हर एक चीज को शॉर्टकट में समझते हैं, लेकिन उसके पहले बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, जहां पर थोड़ा सा आपको डिटेल्स में देने वाला हूँ। बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर जब आप इस स्टॉक को देखते हैं तो आप पाएंगे कि इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी अभी ईएसएम स्टेज वन की कैटेगरी में है। हालांकि ईएसएम स्टेज की जो ये ईएसएम कैटेगरी होती है स्टेज वन की, ये उतनी खतरनाक नहीं होती जितना कि ईएसएम स्टेज थ्री और फोर होती है। मैं बार बार ये अपने वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नोटिफिकेशन में अभी, हालांकि यहाँ पे नोटिफिकेशन ये ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। नोटिफिकेशन में जो आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये स्टॉक यहाँ पे इसमें अपर सर्किट भी लगते हुए आपको दिखा है 16 मई से अपर सर्किट। हालांकि अपर सर्किट तो इसमें काफी पहले से लगते हुए यहाँ पे आ रहा है, कुछ दिनों से देखेंगे, लेकिन 13 मई से अपर सर्किट लगते हुए आ रहा है। तो जब अपर सर्किट लगातार लग रहा हो तो इसका संकेत ये होता है कि अभी स्टॉक में तेजी बरकरार रहेगी। और जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये तेजी आने के साथ साथ जिस तरीके से चार्ट पर पैटर्न बन रहा है, लग रहा है कि तूफानी तेजी बनने वाली है, क्योंकि चार्ट पर एक ऐसा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है जहां से तेजी आती ही आती है। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग चार्ट पर, बाकी चीजों को वहीं पर समझते हैं। तो जब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, हम लोग एक साल के चार्ट पर भी आए हुए हैं। एक साल के चार्ट पर देखिए इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, ये इसके लिए एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1.40 रुपए के लेवल, और 1.40 रुपए के लेवल से लेकर अभी देखेंगे तो 1.60 रुपए इसके बीच में कह सकते हैं कि स्टॉक आपको कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो उसमें क्या होता है, एक तगड़ा ब्रेकआउट होता है। तो एक तो ये लॉजिक हो गया, और दूसरी बात यहाँ पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डब्ल्यू टाइप का भी फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। चार्ट पर जब भी कहीं आपको डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन दिखता है तो डब्ल्यू का मतलब ही होता है कि वहां पे एक तेजी आने वाली होती है, क्योंकि डब्ल्यू बना है। यहाँ पे देखिए ये इसके लिए जैसे मैंने बताया रजिस्टेंस 1.60 रुपए के लेवल, 1.60 रुपए के लेवल को निकालेगा तो इजिली ये आपको कम से कम ये जो रजिस्टेंस का लाइन है 1 रुपए, इसको तो निकाल ही देगा, और उसके बाद फिर आएगा तो 2.80 रुपए और 3 रुपए तक ये शॉर्ट टर्म आप पाते हुए दिखेगा। यानी कि चार्ट पर डब्ल्यू बन गया है, अब इसमें समय है इसमें ब्रेकआउट होने का, ये पॉइंट ब्रेकआउट होगा और उसके बाद इसमें आपको तगड़ा तेजी देखने को मिलेगा। तो इसलिए सिर्फ फंडामेंटल पर नहीं जाना चाहिए, किसी भी कंपनी को फंडामेंटल तो देखना इंपॉर्टेंट होता ही है, फंडामेंटल के साथ साथ हमें उसमें टेक्निकल एनालिसिस भी करना होता है। और टेक्निकल में क्या आता है, चार्ट आता है जो मैंने आपको बताया। तो देखिए ओवरऑल बात यह है कि इंडियन इंफोटेक को जब हम एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि इसके चार्ट में मजबूती बन रही है, मजबूती का संकेत है जो इस पे पैटर्न बना है इसके चार्ट पर। और साथ में जैसे मैंने आपको बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर दिखाया कि इसमें बार बार अपर सर्किट लग रहा है, वो भी कहीं ना कहीं तेजी के संकेत को दर्शा रहा है। तो आपको इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है तो आप थोड़ा और समय दीजिए, आपके लिए दिन अच्छे आने वाले हैं। बाकी जो नया व्यक्ति है सही समय देखो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मन में कोई सवाल है से रिलेटेड कॉमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले धन्यवाद, शुक्रिया।